हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ में स्वागत है। और ये वीडियो सीरीज़ जो हम बना रहे हैं वो एमसीक्यू पर्पस से है, और इसी क्रम में हम एकॉस्टिक्स के वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें कि पहला वीडियो हम दे चुके हैं आपको, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन थे। आज के वीडियो में हम 10 क्वेश्चन और लेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, जो बारंबारता वर्ड है ये आपका आवृत्ति के लिए इस्तेमाल होता है या फिर फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। बारंबारता कहीं पर लिखा है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। और रेंज उसकी 20 to 20,000 हर्ट्ज़ दे रखी है, तो हमें पता है 20 से नीचे जो होती हैं, कम होती है फ्रीक्वेंसी, वो आपकी अवश्रव्य। जो 20 से 20,000 होता है वो आपका श्रव्य होता है, सुनाई देता है, और 20,000 से ऊपर जो है वो आपका पराश्रव्य होता है। तो हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़, तो ये तो हमें सुनाई देती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? देखिए, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड तो आपकी ये पराश्रव्य हो गई, इंफ्रासोनिक यानी कि ये अपश्रव्य हो गई, हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक का वर्ड यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनसे लगता तो ऐसा है कि जैसे अल्ट्रा और इंफ्रासोनिक और सोनिक से मिलता जुलता है, हाइपरसोनिक है, लेकिन हाइपरसोनिक को कभी कभी सुपरसोनिक भी कह देते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं होता इसका, ध्यान रखिएगा, इसका स्पीड से मतलब होता है। ध्वनि की तेज, ध्वनि की स्पीड है जो 340 मीटर पर सेकेंड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसकी स्पीड से अगर तेज कोई चलता है तो उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं। तो सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक का मतलब जो है स्पीड से होता है, जबकि ये जो बाकी हैं सोनिक, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, इनका मतलब जो है वो फ्रीक्वेंसी से होता है, आवृत्ति से होता है। तो इसलिए इसका तो मतलब ही नहीं बनता खैर इस क्वेश्चन में। और बाकी ये श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि, सुनाई दे सकने योग्य ध्वनि, ये ऑप्शन जो है वो इसमें सही माना जाएगा, तो हम जो है वो डी ऑप्शन को यहाँ पे टिक करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि? तो आपने पढ़ रखा है थ्योरी में कि अल्ट्रासोनिक्स निकालता है ये पराश्रव्य तरंगें निकालता है, वो टकरा के लौटती हैं, और इको मेथड, इको सिस्टम मतलब जो प्रतिध्वनि सुनता है उसकी हेल्प से जो है वो देख पाता है, चाहे वो अपने ऑब्स्टिकल को देखे, चाहे वो अपने जो उसको खाने वाला परभक्षी है वो देखे उसको, या अपने शिकार को देखना है, किसी भी चीज़ को अगर वो महसूस करता है तो वो अल्ट्रासोनिक के माध्यम से करता है। तो पहला है, अंधेरे में उसे साफ दिखाई पड़ता है, तो ये तो सही नहीं है। उसकी आँख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, प्यूपिल बड़ा होने से लाइट ज़्यादा अंदर पहुँचती है, लेकिन ये भी बात उसके लिए सही नहीं होती है। प्यूपिल तो हर कोई बड़ा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है, जैसे हम अंधेरे में जाते हैं, अंधेरे कमरे में तो शुरू में नहीं दिखाई देता है लेकिन थोड़ी देर बाद दिखाई देने लगता है, तो वो हमारे प्यूपिल के साइज़ के बड़े हो जाने की वजह से होता है। तीसरा है, कोई चिड़िया ही ऐसा कर सकती है, मतलब चिड़िया ही अंधेरे में देख सकती है ऐसा भी नहीं है, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर, अति तीव्र ध्वनि तरंगे का मतलब है 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा, ठीक है ना, यानी कि पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती हैं, ये ऑप्शन जो डी है वो सही है हमारा। तो ये आपने कंसेप्ट क्लियर हैं तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। मतलब ये चंद्रमा है और यहाँ पे कोई विस्फोट हुआ और हम यहाँ खड़े हैं तो ये हमें नहीं सुनाई देगा, तो वजह पूछ रहे हैं, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम है। तो देखिए, ध्वनि का गुरुत्वाकर्षण से कोई मतलब ही नहीं बनता है। चंद्रमा पर ध्वनि की तीव्रता कम होती है, ये भी बात नहीं है, जितना बड़ा विस्फोट होगा तीव्रता उसी हिसाब से निकलेगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ये सबसे मेन बात है, क्योंकि ध्वनि जब चलती है तो वो उसमें संपीड़न और विरलन होते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर जब है ही नहीं, हवा है ही नहीं, तो किसको वो संपीड़ित करेंगे और किसको विरलित करेंगे, कौन से मॉलिक्यूल संपीड़ित होंगे विरलित होंगे, तो इस वजह से ये आपका जो है ना कंप्रेशन बनेगा ना रेयरफैक्शन बनेगा, और इस वजह से जो है वो साउंड यहाँ से यहाँ तक चल करके नहीं आ पाएगी, और तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। तो ये केवल इस कंसेप्ट पर बेस्ड था कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, कंसेप्ट हमारा यह है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे घुमा फिरा करके इसके ऊपर इस तरह से क्वेश्चन बना दिया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये कंसेप्ट होता है, शायद हमारे पास नहीं है, ये 12th क्लास में कंसेप्ट होता है कि दाब को जो है चेंज अगर करें हम तो उसका ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्वनि की चाल जो है वो अनअफेक्टेड रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
तो इस कंसेप्ट का अगर हम यूज़ करें यहाँ पे तो 332 मीटर पर सेकंड है अगर स्पीड, तो उतनी ही रहेगी। देखिए यहाँ पे हाफ़ कर दिया गया है और इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे सही रहेगा। इसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं भी इसे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस में ध्वनि सबसे तेज़ चलती है, वायु में, स्टील में, निर्वात में, जल में। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, तो सॉलिड होते हैं, मेटल्स होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा, ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम, और गैस में सबसे कम स्पीड होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सॉलिड स्टील है, तो इसलिए स्टील में जो है वो सबसे तेज़ चलेंगी साउंड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, वायु में ध्वनि का वेग है, ए पार्ट 330 मीटर पर सेकेंड, 220 मीटर पर सेकेंड, 110 और 232। देखिए अगर कुछ नहीं दिया है और वायु में ध्वनि का वेग पूछ रहा है तो इसका मतलब नॉर्मल वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछ रहा है, और ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहीं कहीं 330 ले लिया जाता है, या फिर कहीं कहीं पे 331.5 ले लिया जाता है, कहीं कहीं पे 332 उसे कह देते हैं, या कहीं कहीं पे 331 कह देते हैं, इन्हीं के आसपास ये रेंज रहती है। देखिए इस रेंज में यहाँ पे आपका ए पार्ट 330 मीटर पर सेकंड सही है, बाकी सब देखिए बहुत आगे पीछे हैं, 220, 232, 110। ये 232 कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है कि 332 से कोई कन्फ्यूज़ हो जाए इसमें, तो इसलिए इस पर ध्यान नहीं देंगे हम, ए पार्ट हमारा यहाँ पर सही रहेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, और देखिए क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। देखिए अभी पिछला क्वेश्चन इसमें मैंने ये कंसेप्ट बताया है आपको, जो ठोस पदार्थ है उनमें ध्वनि की स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम ठोस का ऑप्शन सही है, इसका मतलब हम ए पार्ट पे टिक कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, वायु में ध्वनि का वेग ताप बढ़ाने से घटता है, ताप घटाने से बढ़ता है, ताप पर आश्रित नहीं है, ताप के घटने से घटता है। तो देखिए इसमें के लिए कंसेप्ट यह है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो 0.61 × T यानी कि 0.61 मीटर पर सेकंड ये टेम्परेचर, ये वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, और अगर हम टी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो 0.61 × T इतने मीटर पर सेकंड जो है स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो स्पीड 330 मीटर पर सेकंड होती है, और जैसे जैसे 1-1 डिग्री बढ़ाते जाएं स्पीड इस रेशियो में जो है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए ताप के बढ़ने से जो है वो घटता है, इसका मतलब ये तो गलत है। देखिए ताप बढ़ने से बढ़ रहा है चीज़ तो घटने से घटेगी भी, चाहे आप सीधा लें चाहे उल्टा लें। तो देखिए ताप के बढ़ने से घटता है तो उल्टा हो गया, ताप के घटने से बढ़ता है ये भी उल्टा हो गया, ताप पर आश्रित नहीं है ऐसा तो नहीं है, ताप पर तो डिपेंड कर रहा है, ताप के घटने से घटता है। तो देखिए बढ़ाएंगे ताप तो 330 से बढ़ेगा, और अगर घटाएंगे ताप तो कम होकर के फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बढ़ने से बढ़ता ये नहीं लिखा है तो घटने से घटता, वही वह बात है, एक तरह से घुमा फिरा करके लिख दिए, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन है, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जना सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। ए पार्ट, गर्जन बाद में उत्पन्न होता है। बी पार्ट, बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं। सी पार्ट, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की तुलना में बहुत अधिक है और प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं। देखिए कई सारे कंसेप्ट इसके अंदर मिक्स्ड हो गए हैं, हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो 7th-8th क्लास का क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है कि आसमान में अगर बादल गरजे तो गरजने की जो साउंड है वो चलेगी, तो वो तो 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगी, और जो लाइट है यहाँ से जो निकलेगी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये जल्दी पृथ्वी पर पहुँच जाएगा और ये बाद में पहुँचेगा, तो सीधा फ़र्क स्पीड का होता है। सी पार्ट जो है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की तुलना में बहुत अधिक होती है, ये पार्ट आपका सही है। लेकिन देखिए ये पार्ट गलत कैसे हैं, गर्जन बाद में उत्पन्न होता है, कोई गलत है, ये सब एक साथ उत्पन्न होते हैं। बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, सबसे नीचे के बादल से भी अगर हो गर्जना तो उससे भी वही इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि सबसे नीचे के बादल हो तो सब एक साथ पहुंच जाएंगे। और प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, देखिए प्रकाश निर्वात में चल सकता है ध्वनि नहीं, ये कारण ये चीज़ तो सही है लेकिन इसकी वजह से ये नहीं होता कि ये पीछे आए वो आगे आए, है ना। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो पॉइंट नंबर सी जो है वो यहाँ पे आंसर होगा, हालांकि पढ़ने में ये भी सही है लेकिन ये उसका कारण नहीं है, ठीक है, ये मतलब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पराध्वनिक विमान किस उड़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। पराध्वनिक यानी कि सुपरसोनिक, इंग्लिश में इसको सुपरसोनिक, मैंने इसी वीडियो में क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस भी किया है। सुपरसोनिक का मतलब बताया था मैंने, साउंड की स्पीड से ग्रेटर चले अगर कोई तो उसे पराध्वनिक कहते हैं। तो देखिए पराध्वनिक विमान उड़ते हैं,
तो ध्वनि की चाल से ये भी नहीं है क्योंकि वो उससे ज़्यादा से उलते हैं। ध्वनि की चाल से कम चाल से ये भी सही नहीं है। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से ये सही है। और डी पार्ट है प्रकाश की चाल से। देखिए प्रकाश की चाल से तो कुछ कोई नहीं चल सकता। जो हमारे साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन ने ये बताया था कि प्रकाश की चाल से केवल एक चीज़ चल सकती है, केवल एक चीज़ चल सकती है, और क्या? खुद प्रकाश। ठीक है ना, प्रकाश की चाल से केवल प्रकाश ही चल सकता है और कोई नहीं चल सकता। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, ये ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चंस देख लिए इस वीडियो में। उम्मीद है आपको सारे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में उससे हम पूछ सकते हैं उस बारे में, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से रिलीज़ हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स भी लाभान्वित हो सकें इन चीज़ों से। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।